है और शाम के टाइम में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी दर्शन करने के लिए बहुत लग। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये सामने अभी गौरी गणेश जी का मंदिर है। मंदिर के जाते टाइम रास्ते में कुछ आसपास की दुकानें हैं जो कि अभी खाली हुआ है, लेकिन मेला के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पर सामान ले हैं धीरज भाई से कि फर्स्ट टाइम आए हैं कि इसके पहले नहीं, हम तो इसके बाद इससे पहले बहुत बार आ चुके हैं। जो कि तो है गाइस, फाइनली अभी हम इटहिया मंदिर पहुंच गए हैं और जो कि आप देख सकते हैं मंदिर सामने। इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन सावन के टाइम में आए थे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो यहाँ पे बहुत ढेर सारी दुकानें लगी हुई थी। और आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मौत का कुआं वहाँ लगा था, तो अभी देख रहे हैं पूरा सन्नाटा हुआ है, जैसे उतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। अभी तो आप मंदिर में भी जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगेगी। और हमारे साथ में आए हैं DRG ब्लॉगर जो कि धीरज भाई आए हैं, इटहिया मंदिर जाएंगे तो अभी ये आए हैं हमारे साथ। और अभी सामने मंदिर है, अभी चलते हैं मंदिर के पास दर्शन करते हैं। ये सामने कुछ दुकानें ऐसी हैं, तो फिर चलिए चलते हैं मंदिर और मंदिर के अंदर का आपको व्यू दिखाते हैं बाकी क्या है वहाँ पे। ये तो आपको मालूम है शंकर जी का मंदिर है, और बाकी आपको चलते हैं अंदर का व्यू दिखाते हैं, क्योंकि पिछली बार सावन में आया था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो अभी इस टाइम भीड़ नहीं है। तो DRG भाई से पूछते हैं, धीरज भाई से, कि फर्स्ट टाइम आए हैं कि इसके पहले ही कहीं? तो इसके बाद इससे पहले बहुत बार आ चुके हैं, जो कि जब हम आए तो यहाँ पे भीड़ बहुत काफ़ी था, और आज आए हैं तो यहाँ पे भीड़ एकदम सन्नाटा है, और जो भी कुछ है पर अच्छा है। और हम लोग चलते हैं अंदर और दिखाते हैं, तो फिर चलते हैं अभी अंदर, अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको, और हम भी थोड़ा घूमते हैं, दर्शन करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। मंदिर के जाते टाइम रास्ते में कुछ आसपास की दुकानें हैं जो कि अभी खाली हुआ है, लेकिन मेला के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, यहाँ पर सामान लेने में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और ये सामने आप देख रहे हैं मंदिर, अभी चलते हैं मंदिर के अंदर। तो फाइनली अभी मंदिर के मेन गेट के पास आ गए हैं। ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है, ये आप देख सकते हो ऊपर बजरंगबली की मूर्ति गणेश जी का ऐसे कुछ है, और सामने घड़ी लगी हुई है। और चलते हैं मंदिर के अंदर, मंदिर में आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत शांति है और बहुत खाली है, तो दर्शन भी अच्छे से हो जाएगा। जूता यहाँ उतार देते हैं और फिर चलते हैं मंदिर के अंदर। तो अभी फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम मंदिर के अंदर आ गए हैं और मंदिर के अंदर का कुछ व्यू ऐसा है। और शाम के टाइम में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी दर्शन करने के लिए, बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो अभी तो एकदम खाली है, यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है, केवल हम आए हैं और मतलब धीरज भाई आए हैं, तो यही दो लोग दर्शन करने आए हैं। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं, फिर आपको भी दर्शन कराते हैं। तो ये मंदिर के अंदर का व्यू कुछ ऐसा है, ये सामने फाइनली फ्रेंड्स, हमने दर्शन पूजा कर लिया है, तो अभी परिक्रमा लगा लेते हैं, फिर इसके बाद आपको मंदिर के आसपास का कुछ व्यू दिखाते हैं, जो कि आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ है नहीं, खाली है, तो जो कि आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और हमें दिखाने में भी अच्छा लगेगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, इस बार तो दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गया, क्योंकि सावन के टाइम में आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो दर्शन काफ़ी अच्छे से नहीं हो पाया था। तो इस बार दर्शन काफ़ी अच्छे से हुआ है और आप लोग को वीडियो में भी दिखेगा। और तो फाइनली फ्रेंड्स, ये सामने अभी गौरी गणेश जी का मंदिर है ये, और ये सामने आप मंदिर मूर्ति देख सकते हैं, क्योंकि बाहर लाइट पड़ रही थी इसलिए अंदर का व्यू आपको नहीं दिखेगा, बाकी मंदिर कुछ ऐसा है इस तरह के अंदर से। तो भुजी माता मंदिर का दर्शन कराते हैं आपको, ये सामने मंदिर है और मंदिर के अंदर का कुछ व्यू ऐसा है। ये सामने माता जी के प्रतिमा है जो कि बाहर से रोशनी पड़ रहा है गेट से, तो अंदर का व्यू नहीं दिख पा रहा अच्छे से। सो है गाइस, अभी फाइनली हम मंदिर के बगल छत के ऊपर आ गए हैं, आप देख सकते हैं धीरज भाई भी आए हैं छत पे,
और ये सामने आप मंदिर देख सकते हैं। अब मंदिर का व्यू कुछ ऐसा है छत पे से, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो है गाइस, फाइनली मंदिर में दर्शन पूजा भी हो गया है, और पिछली बार की तरह इस बार ज़्यादा भीड़ भी नहीं था, क्योंकि सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ था। और जो भी यहाँ पे मंदिर था हमने आपको दिखा दिया, भोलेनाथ का शिवलिंग, भोलेनाथ का मंदिर, और भी जो भी मंदिर थे हमने दिखा दिया है, और दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा। और आई होप कि आपको ब्लॉग भी आपको भी अच्छा लगेगा। तो अगर ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।